हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे और अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, जैसे कि मैंने देखा कई लोग आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके के तरह तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोगों ने। कई लोगों ने मुझे फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी कमेंट किए और कमेंट करके बोला, सर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कुछ वीडियोस तैयार करिए हम लोगों के लिए। तो वैसे तो मैं प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे जब बोला गया तो मुझे लगा यार कुछ हमें भी थोड़ा बहुत जो भी हमसे हो सकता है वो हम लोग आप तक हेल्प करें। तो ये वीडियो हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि हमें किस चीज़ में क्या पढ़ना है और कैसे करके तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यार आज के टाइम में कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, ठीक है, और आप जो कंटेंट उठा रहे हो, कंटेंट अगर सॉलिड नहीं है तो वो कंटेंट अगर सॉलिड नहीं है तो आप समझो कि गवर्नमेंट जॉब थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को कंटेंट बहुत ही सुप्रीम रखना पड़ेगा। कंटेंट सुप्रीम रखने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो जैसा भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने भी कई गवर्नमेंट जॉब्स दिए हैं, और अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को और साथ ही साथ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट को। तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है कंक्रीट का, मैनुअली साइट का जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास आरसीसी का नॉलेज है, स्टील का नॉलेज है, सोम का भी अच्छा नॉलेज है, उसको मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ। तो उसको शेयर करने के लिए जस्ट ये जो मेरा पहला वीडियो है जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई राइटिंग पैड वगैरह नहीं है। पहले आप लोगों ने मुझे ऑटोकैड स्टैट प्रो रैबिट के लिए देखा है, और आगे भी मैं उसके लिए वीडियोज़ तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन कुछ दिन के गैप हो गए थे, मेरे कुछ पर्सनल काम काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो उसकी वजह से गैप हो गया था। मैं ब्लॉगिंग में भी थोड़ा बिजी हो गया था, बट अब मैं आपको प्रोफेशनल जितना भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, सबसे पहले मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी कवर करूंगा विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आते हैं तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्लस केवल ऑब्जेक्टिव याद करने से कोई फायदा नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा 200 से 250 कंक्रीट का, 200 से 250 बीएमसी का, खुरमी के बुक से, आरएस खन्ना के बुक से एंड गुप्ता एंड गुप्ता के बुक से, जो भी सुप्रीम क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं आप तक लेके आने वाला हूँ। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करके आप देखिए आपको डेली यूनिक एक नया वीडियो मिलता रहेगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पहला सेक्शन। इसमें देखिए तीन पार्ट है, तीन चार पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा एग्रीगेट, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके लिए टेस्ट, एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंक्रीट में एग्रीगेट पोर्शन से, क्योंकि एग्रीगेट से सबसे ज्यादा कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्रीगेट क्या होता है ना, एग्रीगेट के बारे में आपको जो थोड़ा बहुत पता होता है ना वो बहुत कम पता होता है। इवन तुम्हें कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में क्या पता होता है, कंक्रीट के बारे में हमको बहुत कम नॉलेज होता है। क्या कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमें पढ़ना क्या चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट में क्या होता है ना, देखिए एग्रीगेट एग्रीगेट क्या, पहले सबसे पहले हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। कंक्रीट में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? सो कंक्रीट में हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट प्लस सैंड के बारे में पढ़ना, सीमेंट के बारे में पढ़ना, और उसके बाद स्पेशली कंक्रीट के बारे में पढ़ना। इसके टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट के टेस्ट, सैंड के बड़े टेस्ट, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट है और कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट है। तो देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को एग्रीगेट के सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चाहिए। एग्रीगेट के टाइप्स कितने हैं, किस तरीके से उसके क्लासिफिकेशंस कौन कौन से हैं, सैंड के कौन कौन से टाइप्स हैं, सीमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं, कंक्रीट के कौन कौन से टाइप्स हैं, कंक्रीट में जैसे लाइट वेट कंक्रीट क्या है, लाइम कंक्रीट क्या है, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि हम लोग ऐसा पूरा का पूरा एकदम कवर करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को, जिसमें हम लोग एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट और कंक्रीट की एक एक प्रॉपर्टीज़, एक एक टेस्ट के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले ईयर में आए हैं प्लस जो आ सकते हैं, वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, लगभग लगभग 200 मोर देन 200 क्वेश्चन आ दे यार। सो हम लोग क्या करेंगे, वो 200 क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ डालेंगे। और ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ, अगर इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी के पूरे सीरीज को आपने देखा, मैं लगभग 7 से 8 वीडियो में बनाऊंगा, और उसके बाद 7-8 वीडियो में प्रैक्टिस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बनाऊंगा, तो इसको अगर हमने देख लिया ना तो हमें पूरा का पूरा कंक्रीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंक्रीट में एग्रीगेट को, क्योंकि मैं एग्रीगेट को किस लिए प्रीफर दिया, पहले पहले मुझे कंक्रीट को देना था बट मैंने एग्रीगेट को इसलिए दिया क्योंकि एग्रीगेट से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर में मैंने भी दिया था तो मैंने देखा बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्रीगेट से आ रहे थे। तो देखिए व्हाट इज एग्रीगेट, तो एग्रीगेट इज एन इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मिनरल मटेरियल्स यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोर्टार एंड कंक्रीट्स, आपको पता था।
आपको ये नहीं पता होगा कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड इसके लिए यूज होता है। सो देखिए आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा आईएस कोड हम लोग यूज करते हैं। तो आपको आईएस कोड याद रखना चाहिए, कौन कौन सा भाई, आईएस 383 1970। ओके अब यहाँ पे देखिए आप, अ गुड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन शुड बी सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग केमिकली इनर्ट सफिशेंट हार्ड ड्यूरेबल। कंक्रीट ऐसा होना चाहिए जो ड्यूरेबल हो, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ, ठीक है, सफिशियंट हार्ड, हार्डनेस भी उतना होना चाहिए जितना हमें एक स्ट्रक्चर के लिए जरूरी होता है। द एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज शेप यूनिट वेट आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। देखिए इसमें तीन डिविजन्स हुए हैं, साइज पे हुआ है, शेप पे हुआ और यूनिट वेट पे हुआ है। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं अकॉर्डिंग टू साइज करने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू साइज मतलब साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर देखें इसमें तो सबसे पहला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, फाइन एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट मैं अभी डिस्कस करूंगा। आप सोचते हो फाइन एग्रीगेट आपने सुना है, बट फाइन एग्रीगेट का साइज कितना होता है स्टैंडर्ड, किसी ने नहीं सुना। तो हम लोग से क्वेश्चन तो उसी से बनता है ना यार। तो फाइन एग्रीगेट का जो स्टैंडर्ड साइज है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड है कोर्स एग्रीगेट, सो कोर्स एग्रीगेट सेकेंड है। इसके बाद होता है साइक्लोपियन एग्रीगेट्स। आप बोलोगे सर इसका तो नाम ही नहीं सुना था मैंने कभी, तो आज हम लोग इसका नाम सुन लेंगे भाई, साइक्लोपियन एग्रीमेंट, साइक्लोपियन एग्रीगेट्स। ओके और उसके बाद एक होता है जिसका मिक्स ऑफ ऑफ ऑल, मतलब उसमें साइक्लोपियन मिक्स है, कोर्स भी मिक्स है, फाइन भी मिक्स है, इस तरीके से सारे मिक्स रहते हैं। सो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं हम लोग रखते हैं। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड हमसे पूछा जाता है साइक्लोपियन एग्रीगेट क्या है, कोर्स एग्रीगेट क्या है, फाइन एग्रीगेट क्या है। ओके तो इसके बाद हम लोग देखते हैं द एग, अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, फाइन एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे इसके बारे में, द एग्रीगेट विच पास थ्रू 4.75 mm आईएस सीव। आपने सीव एनालिसिस बहुत किया होगा कॉलेज में, लेकिन भूल गए होंगे सब कॉलेज में। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, द एग्रीगेट विच पास थ्रू आईएस पास थ्रू आईएस 4.75 mm इंटायरली रिटेन, पूरा का पूरा वो निकल जाए, कितने से, ऑन 75 माइक्रोन, मतलब कि 4.7 के नीचे हो और 75 माइक्रोन तक वो पास हो जाए, दैट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट, दैट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट। तो हम लोगों को अब पता चला कि फाइन एग्रीगेट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, क्या होता है, 4.75, मतलब मिनिमम कितना हो जाए 75 माइक्रोन और मैक्सिमम कितना हो जाए 4.75। क्लियर हो गया क्या, गुड। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, द पार्ट के साइज वेरिंग फ्रॉम 0.002 to 0.06 mm इस टर्म्स एज सिल्ट। बहुत से इंटरव्यू मैंने देखा है, लोगों से पूछ लेता है सिल्ट क्या है। अब लोगों को क्या होता है, लोगों ने कहा कि मैं एग्रीगेट जानता हूँ, फाइन एग्रीगेट जानता हूँ, कोर्स एग्रीगेट जानता हूँ, बट सिल्ट के बारे में नहीं जानते। तो भैया आज से जान लो सिल्ट क्या होता है, 0.002 to 0.06 mm, दैट इज कॉल्ड सिल्ट। ठीक है याद रखिएगा, ये सिल्ट को बोलते हैं। अगर इतने के बीच में आपकी साइज आती है तो क्या होगी, सिल्ट होगी। स्टिल स्मॉलर पार्टिकल मतलब भाई इससे भी छोटा हो गया तो क्या होगा, तो भैया उसको क्ले बोलेंगे, मतलब इससे छोटा पार्टिकल है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्ले। तो अब आपको पता चल गया कि क्ले क्या होता है, आपको पता चल गया कि सिल्ट क्या होता है, आपको पता चल गया कि फाइन एग्रीगेट का साइज क्या होता है, मिनिमम 75 माइक्रोन से रिटेन होना चाहिए और पास होना चाहिए 4.75 से। देखिए ना आपके क्वेश्चन यहीं पर तैयार हो गए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया और एक सिल्ट एक क्ले से स्टार्ट हो गया। यार मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो तुम लोग ये मत सोचना कि इतना आवाज़ कहाँ से आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कुछ ऐसा लगाता हूँ जिससे आवाज़ कम आए। The aggregate which pass through बहुत ध्यान से देखिएगा, which pass through 75 mm ISC entirely retain on 4.75 micron, मतलब 75 mm के अंदर हो और मिनिमम साइज कितना हो 4.7, इससे रिटेन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे कोर्स एग्रीगेट। क्लियर हुआ क्या, 4.7 से 75 तक क्या हो गया हमारा, कोर्स एग्रीगेट हो गया। 4.7 से नीचे और 75 से ऊपर, 75 माइक्रोन से ऊपर, 75 माइक्रोन मतलब अगर एमएम में बात करो तो 0.075 माइक्रोन, सॉरी एमएम 75 माइक्रोन से 4.75 तक क्या हो गया आपका, ये फाइन एग्रीगेट हो गया। इसके बाद आपका 4.75 से 75 mm तक क्या हो गया, ये आपका, ये आपका हो गया कोर्स एग्रीगेट। और
सिल्ट के लिए क्या बोला मैंने, 0.0022, 0.06 बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही याद कर लेना ठीक है। एमएम इस टर्म्स है सिल्ट, और स्टील स्मॉलर पार्टिकल्स मतलब इससे छोटा है, तो क्या बोलेंगे भैया उसको, उसको बोलेंगे क्ले ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर सब तो मैंने सुना है, फाइन सुना है, कोर्स सुना है, ये साइक्लोपियन क्या होता है? भाई साइक्लोपियन कुछ नहीं होता है, साइक्लोपियन होता है अगर हमारा एग्रीगेट का साइज 75 माइक्रोन से ऊपर है, मतलब इससे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोपियन एग्रीगेट। क्लियर हुआ क्या आपका? क्लियर हो गया होगा होप, क्योंकि देखो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो रहता है तो आप बोर हो जाते हो और क्या बोलते हैं आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो माइंड से ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको याद रखना है कि ये तीनों एग्रीगेट के बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। किसके किसके बारे में भाई? साइज के बारे में डिस्कस किया है आज, किसके बारे में? अकॉर्डिंग टू साइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे यूनिट वेट, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं यूनिट वेट से, बहुत कम लोगों को पता होता है यूनिट वेट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा और सेप से भी करूंगा। तो एक वीडियो मैंने साइज पे कर दिया, एक शेप पे करूंगा और एक यूनिट वेट पे करूंगा। लेकिन हाँ, साइज के तीनों याद करके रखो, कौन कौन से? फाइन, कोर्स, साइक्लोपियन और एक मिक्सअप ऑफ ऑल। ओके, अब इसमें आपको मैं दोबारा एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्या रिवीजन करवाना है? 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन तक अगर रहेगा तो क्या होगा, वो हमारा कोर्स, हमारा फाइन एग्रीगेट होगा। और अगर पार्टिकल साइज इतने से इतने के बीच में रहा तो ये हो गया, और इतने से इतने बीच में रहा तो ये रहेगा। आपको अगर नोट्स चाहिए इसका, मतलब आप चाहते हो कि सर इसकी आप अभी मतलब जो मैंने पढ़ा है इसका एक फ़ोटो खींच के डाल दिया जाए उसका इमेज फाइल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर इसको लगा दीजिए। एक्चुअली मेरा एम क्या है इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का मेरा एम है कि मैं पूरा का पूरा आपका जो RRB CVT 2, अभी आपका कई लोगों ने CVT 1 अच्छा गया है तो उनका CVT 2 निकलेगा, तो वो उनका क्वालिफाई हो जाए। प्लस अभी सितंबर में आपका SSC JEE आने वाला है, तो मैंने सोचा SSC JEE के लिए भी आपके लिए बहुत ही मददगार होगा ये वीडियो। प्लस यार इंटरव्यू में जाते हो आप, बेसिक इंटरव्यू में जाते हो, क्योंकि जैसे कि आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हो तो इंटरव्यू में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इन सब को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी को। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको शेयर करना है, सो दैट मुझे थोड़ा सा लगे कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो फिर मैं उन पर फोकस करके और अच्छे से अच्छा बना सकूंगा ठीक है। होप आपको अच्छा लगा हो। एक चीज़ और ध्यान देना, मैं बार बार लास्ट टाइम बताते जाता हूँ, ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा IS कोड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हो? सबको क्या पता है वो RCC वाला, भाई वो RCC वाला अलग है। कौन सा? IS 456। तो वो भाई उसको मत याद करना, वो IS कोड है किसके लिए? RCC के लिए। मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के स्पेशल एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, मतलब एग्रीगेट के लिए कौन सा IS कोड यूज करेंगे? IS 383 1970। मुझे जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि RRB में इस बार इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक करिए और आप क्या बोलते हैं इसको शेयर कर दीजिए, और शेयर करके मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए सो दैट कि मैं आगे के वीडियोस भी बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।